हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपका हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 6 वेटस्टोन पब्लिकेशंस बुक। इसके पहले चैप्टर 2 में बेटा हमने देखा था मेसोलिथिक एज के बारे में। हमने उसमें स्टोन एज के 3 पार्ट्स देखे थे, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम मेसोलिथिक एज के बाद जो एज आई, जो टाइम आया नियोलिथिक एज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप इस पर टाइमलाइन में देख पा रहे होंगे, ये एज़ यू विल बी एबल टू सी ओवर हियर, ये देखिए, ये पूरा आपका पैलियोलिथिक एज है, देन मेसोलिथिक एज, और इसके बाद यहाँ पर है आपकी नियोलिथिक एज। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो नियोलिथिक एज में हमारे प्रिमिटिव मैन की जो लाइफ थी वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8000 से 4000 बिफोर कॉमन एरा थी ये नियोलिथिक एज, और इसे न्यू स्टोन एज भी कहा गया, ठीक है। तो जैसा कि नियोलिथिक वर्ड से पता चल रहा है, ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, नियो जिसका मतलब है न्यू, और लिथोस का मतलब जानते हैं आप स्टोन। तो इसे इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे, हमने लास्ट चैप्टर में, आप इसे लास्ट एज बोल सकते हैं स्टोन एज की। यहाँ पर प्रोग्रेस थोड़ा सा शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमंस जो थे उन्होंने एक सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ जीनी शुरू करी। सबसे पहले तो मैं चैप्टर के नेम का मतलब बता दूँ आपको। फर्स्ट फार्मर्स तो आप जानते हैं किसान, और हर्डर्स जो होते हैं चरवाहे, ठीक है, जो अपने जानवरों को पालते हैं। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने, हमारे जो प्रिमिटिव मैन थे, उन्होंने कम्युनिटी मतलब ग्रुप में रहना सीखा, एक जगह टिक करके रहना सीखा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की भी डिस्कवरी हुई, खेती किसानी की। कैसे? व्हेन पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स इट बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू स्टे एट वन प्लेस टू टेंड टू देम। जब इन्होंने क्रॉप्स उगानी सीखी, क्रॉप्स एज इन द सेंस जिस तरह से हम आज की डेट में उगाते हैं बड़े बड़े खेतों में, वैसे नहीं, नॉर्मली के थोड़े से ऐसे बीज फेंक दिए, उसमें से कुछ पौधे निकल आए, ठीक है। उस तरह से जब इन्होंने सीखा तो इन्होंने एक जगह रहना सीखा कि उस उन पौधों की इन्हें क्या करनी है, देखभाल करनी है। ओके, तो इन्होंने अपनी जो नोमैडिक लाइफस्टाइल थी उसे अबैंडन, उसे छोड़ दिया। नोमैडिक लाइफस्टाइल क्या थी इनकी? एक जगह रहना, फिर दूसरी जगह जाना, फिर उस जगह को छोड़ देना। ओके, तो इनकी यहाँ पर एक सेटल्ड लाइफ शुरू हुई। इससे क्या हुआ, इन्हें लगातार फूड सप्लाई मिलने लगा, और फिर यहाँ वहाँ जानवरों के शिकार के लिए काफ़ी कम इन्हें निकलना पड़ता था, ठीक है। वॉन्डर मतलब यहाँ वहाँ भटकते रहो जानवरों के शिकार के लिए, फिर उनका शिकार करो, फिर उन्हें इकट्ठा करो, सो एंड सो। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब आते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, द टैमिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालना। तो हाउ दे स्टार्टेड द डोमेस्टिकेशन, सबसे पहला जो एनिमल अर्ली मैन ने टेम किया था वो कौन सा था? डॉग्स। ओके, तो ड्यूरिंग दोज डेज इट वॉज यूज फॉर हंटिंग एंड गार्डिंग। उस समय पर ये डॉग को शिकार करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और गार्ड करने के लिए भी, क्योंकि आप तो जानते हैं डॉग जो है वो गार्ड करता है ना, हमारा रक्षक होता है, हमारे घर की सुरक्षा करता है। तो हर्डिंग एंड डोमेस्टिकेशन बिकेम सिग्निफिकेंट इन द नियोलिथिक एज। तो हर्डिंग और डोमेस्टिकेशन जो थे एक इम्पॉर्टेंट जो बन गए इस एज के लिए, ठीक है, काम बन गए। अच्छा, डोमेस्टिकेशन, जानवरों को पालने से इन्हें दूध मिलता था, मीट मिलता था, ओके, और इसके अलावा जानवरों का दूसरा भी ये लोग उपयोग कर लेते थे। ओके, बीस्ट ऑफ बर्डन के तौर पे सामान रख के, है ना, जैसे बच्चों को बैठा के उसको कहीं और लेके चले गए। एग्रीकल्चरल वर्क के लिए जो पत्थरों के टूल्स यूज़ होते थे वो उस पर डाला, पत्तियों में बांध बांध के, और उसको ले गए, ठीक है। तो शीप हो गए, गोट हो गए, डॉग्स है ना, कैटल्स जो जिन जानवरों से हमें दूध वगैरह मिलता है, हॉर्सेस हो गए, फिर ऐसे जानवर जिनसे वूल, उनके जो फर है उनको काट के उसको वो ऊन फर जो होते हैं वूल के जैसे इस्तेमाल कर लेते थे, है ना, दूध मिलता था, मीट मिलता था। तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिलती थी, उन्हें यूज़फुल होती थी उनके जानवरों से, उनके यूज़ के लिए। ओके, तो ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से उन्हें ये फ़ायदा हुआ। ओके,
तो ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक यहाँ ख़त्म। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर देखिए केस स्टडी दी हुई है, कहाँ की दी हुई है, एक नियोलिथिक साइट की दी हुई है जो कि है श्रीनगर में, जिसका नाम है बुर्ज होम। ठीक है, फर्स्ट नियोलिथिक साइट के बारे में दिया हुआ है। क्या देखते हैं कब की है ये, 3000 बिफोर कॉमन एरा से 1000 बिफोर कॉमन एरा के बीच की है ना। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें मिली हैं यहाँ पर नियोलिथिक साइट से रिलेटेड, टूल मेकिंग काफ़ी सारी यहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, मड मिट्टी के स्ट्रक्चर्स मिले हैं है ना। आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं जब इन्हें खोदा गया गड्ढों में, तो पिट्स वो शैलो जो गड्ढे खोदे गए तो 91 सेंटीमीटर तक गहरे थे। इसमें हार्ड स्टोन्स वगैरह रखे गए थे, ओवल शेप के, रेक्टेंगुलर शेप के, ट्रेंचेस मतलब चिल्फियाँ जो होती हैं पत्थरों की वो मड से लगाए गए थे। सेवरल पॉटरी शार्ड्स ऑफ पत्थर मतलब पत्थर मिट्टी के जो बर्तन हुए हैं उनके टूटे टूटे टुकड़े, डल रेड ब्राउन कलर के पिट्स में सब कुछ भरा हुआ था। शार्प स्टोन टूल्स मिले हैं, बोन्स मिले हैं। सेकेंड स्टेज जो थी 2000 बिफोर कॉमन एरा में, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के रिगार्डिंग नियोलिथिक एज में। अर्ली पीपल जो थे इन मिट्टी से भर देते थे बेटा इन गड्ढों को है ना, मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे। स्टोन्स एंड बोनवेयर ऑफ दिस पीरियड शो डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट इन फिशिंग, पत्थरों और हड्डियों की मदद से फिशिंग करते थे। पॉटरी जो बनती थी हैंडमेड पॉटरी मिट्टी के बर्तन, उसे कलर कर देते थे। व्हील मेड रेडवेयर पॉट मिला है, 950 कार्निलियन एजेड बीड्स, तो ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब खुदाई हुई है तो हाउसेज पत्थर जैसे हाउसेज की शेप स्ट्रक्चर्स टाइप मिले हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बरील्स, ह्यूमन्स के स्केलेटन्स के अलावा एनिमल्स के स्केलेटन्स वगैरह भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी केस स्टडी थी, ये आप लोग ऐसे ही रीड कर लीजिएगा, दैट विल फॉर योर नॉलेज। तो यहाँ पर मैं आपका ये फर्स्ट वीडियो फिनिश कर रही हूँ बेटा। सेकेंड वीडियो मैं आपका स्टार्ट करूँगी जिसमें हम अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जो कि आपका स्टार्ट करेंगे हम पेज नंबर 21 से। सो अप टिल देन थैंक यू सो मच।